नमस्ते इंडिया, मैं हूं सोमेश माथुर। होममेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंट और रिफ्रेशिंग मॉकटेल, जिसका नाम है पिना कोलाडा। आप सभी के लिए एक रेसिपी होममेड की तरफ से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीना कोलाटा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग जार। इस मिक्सिंग जार में हम ऐड करेंगे 4 से 5 पाइनएप्पल क्यूब्स, यानी 1 कप पाइनएप्पल क्यूब्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइस। आइस कभी भी ज़्यादा ना डालें, वरना हमारा जो पीना कोलाटा है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 आइस ऐड करूँगा, जो कि इनफ है। तो आइस डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पाइनएप्पल जूस। आप मार्केट में मिलने वाला जूस भी ले सकते हैं, और 1 कप कोकोनट मिल्क। आप कोकोनट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून शुगर। आप ब्राउन शुगर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी को डालने के बाद अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है। तो देखिए, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसे करेंगे सर्व। नाइस कंसिस्टेंसी, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है पीना कोलाडा के लिए। तो अब हमारा जो पीना कोलाडा है वो परफेक्टली रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ गार्निश, जैसे ये पाइनएप्पल और एक स्ट्रॉ। तो अब हमारा वर्जिन पीना कोलाडा रेडी है। तो पीना कोलाडा बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर ऊपर से आइस कभी ना डालें, वरना आपका जो पीना कोलाडा है वो पानी पानी हो जाएगा और फिर हमारे पीना कोलाडा का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू इंडिया टू वॉच माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग होममेड।